हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप एंड यू आर वाचिंग बीस्ट बाबा चैनल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। बने रहिए वीडियो में, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। इस वीडियो में आप आए हैं यानी कि आप जानते हैं लज़ार एंजेलोफ के बारे में या फिर जानना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लज़ार एंजेलोफ एक बुल्गारियन बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने 2015 के आसपास काफ़ी फेम हासिल किया था। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, उनकी क्या इंजरी हुई थी और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लज़ार का रीसेंट वीडियो देखेंगे तो उसमें लज़ार बताते हुए पाए गए हैं कि वो डिप्रेशन में थे, सुसाइड करने वाले थे ड्यू टू हिज इंजरीज। तो उनको एक कंडीशन थी जिनको टेंडनिटिस बोलते हैं। टेंडनिटिस इज़ अ कंडीशन इन विच जो टिश्यू होती है हमारी मसल की, जो अटैच करती है बोन के साथ, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है और बंदा वर्कआउट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता बंदा इनफैक्ट। तो ये उनके साथ कंडीशन थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंडीशन हर किसी के साथ होगी, लेकिन इंजरी किसी के साथ भी हो सकती है। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या सीख मिलती है हमें लज़ार के जो इस 25 मिनट के वीडियो से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे 25 मिनट का वीडियो ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट जो सीख हमें मिलती है इस वीडियो से वो है कि हमें अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। वी शुड लिसन टू आवर बॉडीज। अगर हमें कोई भी थोड़ा बहुत पेन है जिम में, तो हमें उसे एड्रेस करना चाहिए, हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और हमें उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे लज़ार ने अपने फोरआर्म के पेन को नेगलेक्ट किया था 2-3 वीक तक, और जब वो बिल्कुल भी कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे तब उन्होंने रेस्ट लेने की सोची थी, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। सेकेंड सीख हमें मिलती है इस वीडियो से कि हमें सपोर्टिंग गियर्स यूज़ करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लज़ार यूज़ नहीं करते थे, पर जनरली जो जिम में जाते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इन छोटी मोटी चीज़ों में, जैसे रिस्ट रैप्स हो गए, नी रैप्स हो गए, एल्बो रैप्स हो गए, उन्हें लगता है ये खर्चा है। बेल्ट हो गई, जिम में तो वैसे बेल्ट होती ही है, अगर नहीं है तो आप खुद परचेज़ करिए हैवी स्क्वाट्स में, डेडलिफ्ट में। बिना इन एसेसरीज़ के हैवी वेट लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। थर्ड पॉइंट जो हमें सीखना चाहिए इस वीडियो से लज़ार के, वो कि हमें हार्ड ट्रेन करना चाहिए हार्ड, लेकिन वी शुडन ट्रेन 7 डेज़ अ वीक को, 6 डेज़ अ वीक मैक्सिमम स्प्लिट पर चलना चाहिए। इसके ज़्यादा आप करेंगे तो मुश्किल हो सकती है आपकी, मुश्किल क्या, आपकी रिकवरी नहीं होगी आपकी बॉडी की और कुछ ना कुछ इंजरीज इन द लॉन्ग रन आपको हो सकती है। तो 5 डेज़ अ वीक, 6 डेज़ अ वीक इज़ अ बेस्ट स्प्लिट, 7 डेज़ अ वीक कभी मत चलाइए, एक दिन बॉडी को ज़रूर रेस्ट दीजिए। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि हमें अगर हम स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं, कई लोग स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं, फैट्स कम होते हैं, उनकी कार्ब्स कम होती हैं, कैलोरी डेफिसिट में होते हैं वो, यानी उनको वेट लॉस करना होता है, ऑयल हेल्दी फैट्स भी नहीं होते उनके डाइट में, तो उनको चीट मील ज़रूर लेना चाहिए हफ्ते में कम से कम एक बार, ठीक है, लेकिन चीट मील ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिप्लेनिश हो सके और अगले वर्कआउट के लिए तैयार हो सके। अगर आप चीट मील नहीं लेंगे तो आप स्टार्व करेंगे और आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिसिट होगा, कुछ ना कुछ कमी होगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और आपको फिर लॉन्ग रन में पता चलेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। बॉडी बिल्डिंग एक लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 महीने एक्सरसाइज करके छोड़ दिया, तो आपको ज़िंदगी भर ये चीज़ करनी है। तो आपको अगर आप चीट मील नहीं लेंगे, अपनी बॉडी को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आप लॉन्ग रन में कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे बॉडी बिल्डिंग में। ये सब करने के बाद भी अगर आपकी आपको कोई इंजरी होती है, जो कि होगी भी आपको, तो आपको अपनी बॉडी को हील होने के लिए टाइम देना चाहिए। आपने रेस्ट लिया क्योंकि आप
आपको इंजरी हो रखी है, आप जिम नहीं जा रहे, लेकिन जब आप जिम में वापस जाएंगे, कम बैक करेंगे, तो जैसे लज़ार ने किया, उन्होंने 3 महीने का गोल रख दिया अपने लिए कि मैं अपनी 100% फिजिक जैसे पहले थी वैसे ही वापस पा लूँगा, और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो जब भी आप इंजरी से कम बैक करें, लाइट वेट यूज़ करिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते अपनी बॉडी को असेस करिए, उसके बाद ही आप 100% जैसे पहले करते थे वैसे आप कर सकते हैं। तो अपने बॉडी को टाइम दीजिए हील करने का आफ्टर योर इंजरी। अगर आपने मेरे रिस्ट रैप्स और नी रैप्स वाले वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे फिटनेस रिलेटेड वीडियोस एवरी वीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बने रहिए 20 बाबा चैनल के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।